ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस यार, जैसा आपने देखा, हमने बनाया एक पावरफुल टूल जिससे आप ड्रिलिंग कर सकते हो, ग्राइंडिंग कर सकते हो और कटिंग का भी काम ले सकते हो। मतलब मल्टीपर्पज टूल है। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक फ्लेक्सिबल वायर जो हमें मिलेगी बाइक के अंदर से। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बाइक के अंदर 1 किलोमीटर की चेन होती है जिसके अंदर एक अंदर वायर घूमती है, तो इसको हम किसी भी तरफ रुख दे सकते हैं। तो ये वाला पार्ट तो हम लगा देंगे अपने मोटर के अंदर, और यहाँ से टूल के अंदर लगने के लिए एक पिनियन मिलेगा अंदर से मीटर के अंदर। तो इस मीटर के अंदर जो पिनियन होता है यहाँ पे लगा हुआ, यहाँ देख सकते हो आप, इस पिनियन को हम निकाल देंगे। ये वायर उस पिनियन पे चढ़ी होती है, तो हमारे लिए इजी हो जाएंगे, दोनों चीजें हमें आसानी से मिल जाएंगी। और एक काम और करना है गाइस आपको, ये जो मेरा दोस्त है बेचारा गरीब, इस गरीब का चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो यही वो दुकान है जहाँ से मैं बाइक के पार्ट वगैरह यूज करता हूँ, लेके जाता हूँ फ्री फंड में। तो उसके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ जाके आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं भी मिलूंगा वहाँ पे, साथ में वीडियो बनाते, तो वो भी कर लेना। अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और मैं दिखाता हूँ आपको कि एक आम सी चीज को किस तरीके से हम खास बना सकते हैं और एक मल्टीपर्पज टूल बना सकते हैं। ऑलराइट गाइस, इसको बनाने के लिए चाहिए हमें MDF का एक बोर्ड। इसके अंदर मैंने कट मार रखा है, आप हाफ राउंड रेती से ये कर सकते हो। ठीक है, मोटर इसमें लगाएंगे तो हिलेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको बनाया। यहाँ 2 होल कर रखे हैं, इसके ऊपर एक क्लिप लगाएंगे हम। तो क्लिप मैंने पहले बना के रख रखा है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, एक पत्ती लेके और प्लायर से मोड़ दें और फिर इस तरीके से मोड़ दें तो ये क्लिप हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ज़रिए से हम इसको इस पर अटैच करके और क्लिप के ज़रिए से इसको टाइट कर देंगे। तो उसके लिए हमें ट्यूब चाहिए ताकि ये वाइब्रेशन ना करे। इसके ऊपर ट्यूब रख के फिर इसको टाइट करेंगे तो इससे वाइब्रेशन नहीं होगी और काफ़ी मजबूती के साथ ये इसमें लग जाएगा। तो चलो इसको हम बांध देते हैं। सो गाइज, मोटर हमारी अच्छी तरीके से अटैच हो गई है, बहुत सिंपल तरीके से। अब आप देख सकते हो यहाँ मैंने पाइप लगा रखा है, इसके अंदर हम अपनी वायर को अटैच करेंगे और इसके ऊपर भी मैंने एक पाइप को लगा रखा है ताकि यहाँ पे हम अपना क्लिप टाइट कर सकें। तो क्लिप का जो होल है थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस पाइप को लगाना पड़ा, ये इजीली यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो गाइज, क्लिप हमारा अटैच हो गया। अब इसके आगे के लिए एक फाउंडेशन चाहिए जिसके अंदर वायर अटैच होगी। यहाँ हमने एक होल कर रखा है और यहाँ पे एक लॉक सिस्टम के लिए भी हमने खांचा बना रखा है ताकि वायर का लॉक यहाँ पे लग जाए, ताकि इजीली अटैच हो जाए। यहाँ आप लॉक देख सकते हो, ये लॉक इसके अंदर अटैच हो जाएगा। इसको दबा के हम निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, तो ईजी टू यूज़ हो जाएगा। मतलब अगर कभी ख़राब हुई तो निकालो और लगा लो, सिंपल तरीके से इस तरह इसको अटैच कर देंगे। ठीक है, और इसके आगे हम यहाँ पे फिट कर देंगे। सो गाइज, सिंपली वायर को हमने क्लिप के जरिए अटैच कर दिया। अब इस फाउंडेशन को हम यहाँ पे लाके चिपका देंगे, सिंपल है। सो गाइज, मैं आपको बताता चलूँ कि आपको इसका सेंटर कैसे लेना है। पहले आपको मोटर को बांधना है और फिर उसकी पिन के अकॉर्डिंग सामने एक निशान लगा के होल कर लेना है ताकि बिल्कुल सेंटर में आए वायर हमारी। ठीक है, अब इसको सिंपली हम एल्फी की मदद से चिपका देंगे ताकि मजबूती के साथ इससे जुड़ा रहे। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हो कि अभी कुछ इस तरीके का लगने लगा है। यहाँ पे क्लिप से हमने वायर को जोड़ दिया और मेन वायर बाहर लॉक हुई हुई है। यहाँ पे लॉक सिस्टम हमने बनाया था, ये इजीली इसको हम दबा के यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं कभी भी अगर बदलना चाहें। और क्लिप को यहाँ से खोल के अंदर की वायर को निकाल लेंगे। तो अभी हमें इसको निकालना ही है क्योंकि हमें वायर के अंदर प्रॉपर काम करना है और पूरी तरीके से मशीन को बनाना है। इसके आगे के साइड में हमें चक लगाना है और पीछे इसका हैंडल। तो हैंडल के लिए हम PVC पाइप का यूज़ करेंगे, पाइप इसके अंदर डाल देते हैं। और आगे का इसका चक जो है वो हमने ऑनलाइन मंगाया है, तो 220 रुपये का मुझे मिला। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। तो गाइस, शुरू में जिस चीज़ के बारे में मैंने बताया था वो है ये पिनियन जो मीटर के अंदर लगा होता है, जो निडल को राउंड राउंड घुमाता है। ठीक है, तो ये पिनियन कुछ इस तरीके का होता है। इसके ऊपर एक रिपिट होता है, उसको मैंने काट दिया था, तो ये ऊपर के पार्ट ऐसे निकल जाएंगे। यहाँ पर लॉक होते हैं, इसको भी मैंने काट दिया, ये ऐसे निकल जाएगा। ये स्पोक की वायर है जो मैंने इसके ऊपर वेल्ड कराई थी ब्रास वेल्डिंग में, इस तरीके से यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके का ये पीस आपको दिखने लगेगा। ये PVC पाइप मैंने इसके अंदर खुद लगाया है ताकि इसके अंदर मैं इसको ईजिली अटैच कर सकूँ। ठीक है, तो इस पीस को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे क्योंकि चूड़ियाँ इसके अंदर होती हैं, तो ये इसके ऊपर आसानी से अटैच हो जाएगा क्योंकि इसी का पीस है, बस हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। सो गाइस, ये सिंपली अटैच हो गया। अब आगे हमें जो पिन मिली है इसके ऊपर हम अपना थ्रू चक लगा लेंगे बहुत ईजिली और इसको इसके अंदर अटैच कर देते हैं पाइप के अंदर और अटैच करके किसी भी ग्लू से हम इसको चिपका लेंगे। ये हैवीली चिपक जाएगा यहाँ पे क्योंकि PVC बहुत अच्छे से चिपकता है। ठीक है, तो आगे हम थ्रू चक लगा लेंगे इसके और पीछे का जो हिस्सा है इसका ये मोटर के अंदर ईजिली अटैच हो जाएगा। जैसे आपने पहले देखा है उसी तरीके से इसको अटैच करना है, सिंपल है। सो गाइज, मोटर हमारी अटैच हो गई। अब बारी है थ्रू चक लगाने की। इसके अंदर बहुत बारीक बारीक से 2 स्क्रू होते हैं, एक एलन की इसके साथ आती है, उन दोनों स्क्रू को हमें इसके अंदर लगा के टाइट कर देना है और ये रेडी हो गया। पूरा मैकेनिज्म लगभग हमारा तैयार हो चुका है। सभी मैकेनिज्म को फिट करने के बाद गाइज एक बार हाथ से राउंड दे के देख लें कि प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर काम कर रहा है, ओके है बिल्कुल। आप देख सकते हो चक हमारा सेट हो गया। इस चक में लगाने के लिए मैंने कुछ गरारियाँ मंगाई थी ऑनलाइन ही, ताकि मैं इससे कुछ काटने पीटने का काम भी ले सकूँ, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। इसको हम यहाँ से खोल के इसके अंदर कटिंग व्हील का छोटा पीस कोई पड़ा हो हमारे पास, उसको अटैच करके लोहा भी काट सकते हैं, ड्रिल भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को इस तरीके से अटैच करो और लकड़ी वकड़ी काट लो या कटिंग व्हील से लोहा काट लो या इस तरीके का ग्राइंडर लगा के कुछ भी ग्राइंड कर लो। ठीक है, ये ड्रिल है हमारे पास, सब कुछ है, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो अभी इसके अंदर बटन लगाते हैं और इलेक्ट्रिक वायर का कनेक्शन कर देते हैं इसमें। सो गाइस, कनेक्शन प्रॉपर तरीके से कर दिया मैंने, आपको बता देता हूँ। लाल वाला वायर मैंने मोटर के अंदर जोड़ा और ब्लैक वाला वायर जो है बटन में गया, बटन से एक ब्लैक वायर लेके मैंने फिर मोटर में जोड़ दिया। तो इस तरह इसकी सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, बस अब सिंपली बटन को एलफी से जोड़ देना है हमें, और एक अडॉप्टर चाहिए। अडॉप्टर के दोनों वायर जो है हमें मोटर के साथ जोड़ देने हैं। अगर किसी वजह से आपकी मशीन उल्टी घूमे, उल्टी मीन्स अगर आप बर्मा चला रहे हो तो उल्टा घूमेगा तो छेद नहीं करेगा, या आपने कटिंग व्हील लगा रखा है इस तरीके का तो भी काम नहीं करेगा, उल्टा घूमेगा, तो आपको इसके दोनों वायर को अलट पलट कर देना सिंपल। तो अभी हम अपनी मशीन को चला के देखते हैं किस तरीके से काम कर रही है। ठीक है, यहाँ से बंद है और जैसे ही हम इसको चलाएंगे तो काम कर रहा है। ठीक है, सो गाइस, इतनी देर की मेहनत के बाद जो हमने बनाया उसकी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खासियत ये है कि फ्लेक्सिबल है। ये 360 डिग्री तक कहीं पे भी घुमा लो, कैसे भी कर लो, कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ये हर जगह घूमेगा, हर जगह काम करेगा। इस तरीके से ईजिली किसी भी चीज़ पे, किसी भी सरफेस पे आप अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। आप इससे कटिंग कर सकते हो, ड्रिलिंग कर सकते हो, ग्राइंडिंग कर सकते हो। ठीक है, बड़ा या छोटा कोई भी काम हो, इसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो गाइस, ग्राइंडिंग आप देख चुके हो, अब हम ड्रिलिंग करेंगे। आप देख सकते हो कितने ईजिली ये ड्रिल करता है। आपके छोटे मोटे काम तो ये चुटकियों में कर देगा, ये चुटकियों में। सो गाइज, आप सोच रहे होंगे ये पतली सी शीट है तो मोटी ले लेते हैं। मोटी हैवी शीट के अंदर एमडीएफ की हम होल करके दिखाते हैं आपको कि कितना इजीली ये काम कर रहा है। सो गाइज, अब हम इसके अंदर अटैच करेंगे कटिंग व्हील और कटिंग व्हील से काट पीट के देखते हैं कुछ। तो आप देख सकते हो कि ईजिली एमडीएफ को काट रहा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस नहीं है तो झटके ले रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा उंगली नहीं करता, कभी मेरी उंगली कट जाए। बाद में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद मैं इसको करने लगूंगा। सो गाइज, अब इसको खोल के लगाएंगे ग्राइंडिंग व्हील, क्योंकि घर के थोड़े से काम कर लेते हैं। कैंची पे धार लगानी, चक्कू पे धार लगानी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सबको निपटा देते हैं आज। तो गाइस यार, कैंची कर दी नई जैसी। अब ये जो छुरी आप देख रहे हो ये मैंने ही ख़राब करी है, पीवीसी पाइप काट काट के गरम कर करके। तो अब इसको भी ग्राइंड कर देते हैं और अपने घर वालों को खुश कर देते हैं कि भाई लो जी, हमने घर का भी कुछ काम किया है, सिर्फ यूट्यूब में नहीं लगे रहते हम। सो गाइस यार, आपके समझ में तो आ ही गया होगा कि कितना यूज़फुल और वर्केबल टूल हमने बनाया है। तो जल्दी बनाएं इसको, आपके बहुत काम आने वाला है। और अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो छोटा या बड़ा भाई समझ के कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और एक और बात गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय, जल्दी मिलते हैं। और हाँ गाइस, जो शुरू में मैंने अपने एक दोस्त के बारे में बात करी थी, उस नंपूरे का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।